हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो भाई न्यूज़ ये है कि इंडिया फर्म्स टू बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। क्या है ये पूरी खबर जानेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो एक्चुअली न्यूज़ क्या है, देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट करी है डील रशियन ऑयल कंपनी के साथ कि हम 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करेंगे रशिया से। अब इससे आगे क्या है क्या नहीं जानेंगे पूरी खबर। बताइए पहले आपके बारे में और आपके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अन अकेडमी भी आया है, 77th of March को सिविल सर्विसेज चैम्पियनशिप आने वाला है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री में बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपके पास मौका होगा 15 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप पाने का, रिवॉर्ड्स पाने का और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन सबको मिलेगा जो टेस्ट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रीलिम्स और सीसैट के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है और ये भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ माई कोड सिर्फ आईएस। इनके नए बैचेस 23rd of March से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बैचेस में एनरोल कराइए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे खासकर, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं और इसमें भी आपको सिर्फ आईएस मेरा कोड 10% डिस्काउंट दिलाएगा। कोई भी फाइनेंशियल नीड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0% रेट और 0% फीस दिए आप इन कोर्सेज को ईएमआई पे भी अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट यूज़ माई कोड सिर्फ आईएस। अब आइए हम बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच समझते हैं चीज़ों को। देखिए बिगेस्ट ऑयल कंपनी ने फाइनलाइज करा कि हम 3 मिलियन बैरल्स को क्रूड ऑयल को रशिया से इंपोर्ट करेंगे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डील भी साइन कर ली रशियन ऑयल कंपनी के साथ में कि हम 3 मिलियन बैरल को क्रूड ऑयल के यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट करेंगे। ये कंपनी टू कंपनी डील है ऐसा बताया गया है सोर्स के द्वारा। वही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं आप जानते हैं इन्होंने सेंक्शन लगा के रखी हैं, चाहे वो US हो, US ऑयल इम्पोर्ट एम्बार्गो ये रशिया के ऊपर इन रिस्पांस टू मॉस्को अटैक जो भी इन्होंने यूक्रेन पे किया, तो उसके चलते सैंक्शन लगा रखी है कि भाई यहाँ से कोई तेल वगैरह ना ले ताकि रशिया से कोई ट्रांजेक्शन ना हो। और देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन ऑयल कंपनीज फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया ऑयल कंपनीज। एक ये बात है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें इंडियन ऑयल कंपनीज के लिए कि ये बाय करें क्रूड ऑयल रशियन ऑयल कंपनीज से। तो इंडिया की जो लेजिटिमेट एनर्जी ट्रांजेक्शन है इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए, कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट रहे ऑयल में और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से विदाउट कैन नॉट कैडिबली एडवोकेट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग। मतलब सरकार के सोर्सेज का ये कहना है कि भाई ठीक है सब अपनी बात है, आप सेंक्शन लगा रहे हैं ठीक है, हर चीज़ को पॉलिटिक्स ना करा जाए। भाई जो कंट्रीज डिपेंडेंट हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो भाई उनको लेने दीजिए वहाँ से, आप क्यों जो है बीच में कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे। अभी देखिए दैट इस बात पे रिस्पांस आया यूएस का है ना, इन्होंने कहा कि इंडिया इंपोर्टिंग दिस को हॉन्टेड क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया वुड नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ सैंक्शन। ठीक है, अगर ये मंगा रहे हैं तो सैंक्शन का वायलेशन नहीं है और इट वुड इम्प्लाई सपोर्टिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अभी देखो सैंक्शन का पार्ट नहीं रहा यूएस ने कहा, बट ये कहा कि ये तो गलत है, देखिए रशिया ने इन्वेट किया है यूक्रेन को, ऐसा अटैक किया है तो इसके खिलाफ वही बोलना चाहिए था, लेकिन अगर आप वहाँ से तब भी ऑयल मंगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सपोर्ट कर रहे हो रशिया को, है ना। तो इनका इस तरह से इन्होंने इस तरह से इंडिया को बात कही जो भी कहा हो। तो देखिए जब रिपोर्ट ने कहा तो भाई ये कहा कि इंडिया को टेक अप रशियन ऑफर ऑफ डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, जो क्योंकि रशिया जो है हम लोग को इस टाइम पे 25% डिस्काउंट दे रहा है क्रूड ऑयल पे। तो ये सारी बातें जब हुई तो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो जेन साकी हैं उन्होंने कहा कि भाई आई डोंट बिलीव दिस वुड बी वायलेटिंग दैट, तो बट ऑल्सो थिंक अबाउट वेयर यू वॉन्ट टू स्टैंड वेन हिस्ट्री बुक्स आर रिटन एट दिस मोमेंट इन टाइम। सपोर्ट फॉर रशियन लीडरशिप इज सपोर्ट फॉर द इन्वेजन दैट ऑब्वियसली इज हैविंग अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। तो इन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि भाई देखो ये सेंक्शन का वायलेशन तो नहीं है जो इंडिया कर रही है, बट सिंपल सी बात है कि जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो उसमें आपका नाम किस तरह से आएगा कि भाई जिस टाइम पर रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को और ऐसी ऐसी जो है इतना कुछ डिस्ट्रक्शन करा, तो एट दैट टाइम इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था रशिया को। अब सपोर्ट इस सेंस में ले रहे हैं कि भाई क्रूड ऑयल मंगा रहा था वहाँ से, नहीं मंगवाना चाहिए था। देखिए वेस्ट की कंट्रीज़ हैं ये हमेशा मुझे तो लगता है भाई ज़्यादातर यही सोचती हैं कि जो हम कहें वही सब लोग कर लें, चाहे बर्बाद हो जाएँ खुद, लेकिन बस जो हम कहें वो कर लें। तो आपके क्या कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सोर्सेज के हिसाब से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट डील जो रशियन ऑयल कंपनी के साथ है ये बेस्ट टर्म्स पे कंडीशंस पे है आज के टाइम पे जो अवेलेबल है इंडिया को इंटरनेशनल
मार्केट में, और सोर्सेज ने ये भी बताया कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन ऑयल फर्म्स को कि क्रूड ऑयल वो रशियन कंपनी से नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। और भाई सैंक्शन को लेकर जरूर बात हुई है, तो इस टाइम पर जब ग्लोबल के क्रूड ऑयल प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अबव हैं 100 बैरल से, बेंचमार्क जो ब्रेंट क्रूड का है मल्टी ईयर हाई टच कर रहा है नियरली $140 पर बैरल के तौर पर एट अ पॉइंट सिंस रशियन, जब से रशियन ने इन्वेट करा है यूक्रेन को, तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आप जानते हैं डिपेंड है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे, मतलब 80% एनर्जी की नीड हमारी इसी से पूरी होती है, और अभी इसको रिप्लेस करना भी जो है वो नामुमकिन है। तो हम तो ऑफकोर्स हम लेंगे, है ना, जहाँ से एक्सेस मिलेगा, बेस्ट टर्म बेस्ट कंडीशन मिलेंगे वहाँ से लेंगे, और डील जो है वो हाई लेवल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करती है इंडिया और रशियन फेडरेशन के बीच में। तो ये पूरी कहानी है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।